हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल शान टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई ट्रिक्स। तो दोस्तों, है तो ये काफ़ी पुरानी है, फिर भी हम तरीके से जो है आज आपको समझा देंगे कि अगर किसी फ़ोन में, मान लीजिए जैसे कि हमारा ये एक फ़ोन है, ये अभी फ़िलहाल तो इसकी डिस्प्ले टूटी हुई है, ठीक है, इसकी डिस्प्ले ख़राब है। तो इस फ़ोन में जैसे हमारा चार्जिंग पे लगाते हैं तो चार्जिंग शो करता है और चार्ज नहीं होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एक नॉर्मली काम करना है बिना किसी छेड़छाड़ के। सबसे पहले चार्जिंग जैक चेंज करना है। चार्जिंग जैक चेंज करने के बाद आप वोल्टेज चेक कीजिएगा और चार्जिंग पे लगा के देखिएगा कुछ टाइम तक होता है या नहीं। अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर अगर आप बढ़िया तरीके से सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है एक चार्जिंग आईसी लगा हुआ है और एक R200 का रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा हुआ है। तो इन दोनों को चेंज कर दीजिएगा जब भी जो है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर बाई चांस आपके पास ये दोनों नहीं है, चार्जिंग आईसी और ये R200 नहीं है, तो आपको एक जनरल डायोड की मदद लेनी पड़ेगी, जो कि आप किसी फ़ोन, किसी भी मोबाइल का जो चार्जर होता है, जो चार्जर हमारा नॉर्मल LG 3500 हो, चाहे वो कोई सा भी 3500 हो, तो उसमें से जो है आपको एक जनरल डायोड निकालना है। और किस तरीके से निकालना है और लगाना है, उसमें क्या क्या कंडीशन है और कैसे कैसे जो है फ़ोन में अप्लाई करना है, तो चलिए सबसे पहले इसी फ़ोन में जो है मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से जो है आपको सॉल्व करनी है। तो देखिए, यहाँ पर ये रहा हमारा जनरल डायोड। तो दोस्तों, इसमें जो ब्लैक कलर का आप मार्क देख रहे हैं, यहाँ पे आप ब्लैक कलर का मार्क देख रहे हैं, चिमटी के पास में जो है ब्लैक कलर का मार्क, यहाँ पर ये आपका माइनस है यानी कि ग्राउंड, ठीक है, और ये रहा प्लस। तो आपको किस तरीके से जो है फ़ोन में इसमें कनेक्ट करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको दो जम्पर मारने हैं, इधर और इधर, दोनों तरफ जो है आपको जितनी जगह पे रखना है, जहाँ पे रखना है, जिस तरीके से भी आप कैसे भी छोटे बड़े जम्पर मार सकते हैं, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, ठीक है। उसके बाद आपको जो है ये प्लस वाला सिरा, ये प्लस वाला सिरा है, इस पर से एक जम्पर लेना है और चार्जिंग का जो प्लस वाला पॉइंट है, चार्जिंग का जो प्लस वाला पॉइंट है, इस पर एक जम्पर लगा दीजिएगा प्लस वाले पॉइंट पे, ठीक है। प्लस वाले पॉइंट पे लगाने के बाद और फिर आपको करना है एक बी बैट पे, यानी कि बैटरी प्लस वाले पे, यहाँ पर जो है आपको एक जम्पर मारना है, इस तरीके से यहाँ पर मार दीजिएगा, अब आगे मत मारिएगा टूट जाएगा, इस तरीके से जो आपको करना है, और जो है आपका किसी टाइम में जो है चार्जिंग सक्सेसफुल हो जाएगी, ठीक है। किसी भी चाइना फ़ोन में जो है ये काम करेगा, आप किसी फ़ोन में भी कर सकते हैं कीपैड वाले में, और एंड्रॉयड में जो है ऑलमोस्ट ये काम नहीं करता है, गर्म होकर फट जाता है, तो ये जो है काम नहीं करता है उसमें। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे बताइए कि मैं आपका सॉल्यूशन बताऊंगा। इस तरीके से जो है रख के जो है प्लस वाला पॉइंट कनेक्ट करना है और ग्राउंड वाला जो है यहाँ पर लगाना है बी बैट पर, इस तरीके से जम्पर मार देना, और आपको इसके आसपास खुला नहीं छोड़ना है, यानी कि इसको ओपन नहीं रहने देना, जिस तरीके से जो वायर दिख रही है इसको ओपन नहीं रहने देना है, इसको आपको करना है सब तरीके से। जंपर मारने के बाद इसको जो है टेपिंग अच्छे से कर दीजिएगा, ज़्यादा मोटी नहीं, बढ़िया सी जो टेपिंग हो गले ना, उसको जो है कर दीजिए। नॉर्मली थोड़ा बहुत ये इसमें गर्म होगा लेकिन चार्जिंग बहुत जल्दी होगी और बैटरी बैकअप भी जो है इसका ठीक ठाक होता है, बैटरी बैकअप भी सही देता है। तो ये था दोस्तों छोटा सा चार्जिंग का ट्रिक्स। अगर आप और भी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो मैं नीचे आपको सही तरीके से जो है बता दूंगा किस तरीके से जो आपको सॉल्यूशन करना है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।